बाजार सेल आपके लिए लाया है 1000 रुपए वाली साड़ी मात्र 300 रुपए में, 500 रुपए वाली साड़ी 200 रुपए में, फैंसी लेडीज कुर्ते मात्र 100 रुपए में, लेगी 50 रुपए में, जींस 400 रुपए और शर्ट मात्र 200 रुपए में। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े पर 50% डिस्काउंट पर सभी प्रकार की जेंट्स लेडीज फैंसी चप्पलें बहुत ही कम दामों में। पता सत्यनारायण मंदिर के पास, सदर बाजार सिंधवा, सलीम सेरी 7746037881, फारूक खत्री 8766883326। खरगोन भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डावर द्वारा भाजपा सरकार को समर्थन दिए जाने की घोषणा के बाद कल दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां निमाड़ अंचल में तेज रही। केदार डावर के भाजपा सरकार को समर्थन दिए जाने को लेकर कई तरह के कयास लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे, जिसके बाद आज केदार डावर खुद खरगोन में मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैंने भाजपा सरकार को समर्थन दिया है, इससे पहले कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था। मैं निर्दलीय रूप लेकर चुनाव जीता हूँ और मेरी प्राथमिकता क्षेत्र में विकास की है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं और यह सिर्फ अफवाह है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या बोले केदार डावर। मैं भगवानपुरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबके सहयोग से विधानसभा चुनाव जीता हमने, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, और क्षेत्र के विकास के लिए हमने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जहाँ कहीं भी गांव में गए, बूथ पे गए, किसी ने कोई बात रखी कि ये काम आपको कराना है, हम उस काम को करने के लिए कटिबद्ध हैं। और निर्दलीय हैं, पहले कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमने समर्थन किया, उनसे काम लेने का पूरा प्रयास किया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद सरकार नई आ गई, हमारे लोगों की अपेक्षा जो है, 2 साल चुनाव बीत गए हैं लगभग, अपेक्षाएं हैं, वो काम कराना है और इसी को हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या। तो हमने चुनाव के दरमियान जिस रोज रिजल्ट आया उस रोज भी हमने कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के, उच्च अध्ययन के लिए एक महाविद्यालय क्षेत्र में नहीं है, और जिसके कारण लगभग 2,500-3,000 के बीच लड़के सहगांव भगवानपुरा से 12वीं क्लास हर साल पास करके निकलते हैं और प्रवेश सिर्फ खरगोन कॉलेज पर डिपेंड रहते हैं। प्रवेश केवल खरगोन कॉलेज पर निर्भर करता है और वहाँ 200, 300, 400 बच्चों से ज़्यादा प्रवेश नहीं हो पाता। बाकी बच्चे जो हैं, चाहे प्राइवेट लेते हैं, कुछ लोग वापस घर जाते हैं, गरीबी के कारण बाहर जाके पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों की अब भविष्य खराब हो रहा है। हमने कॉलेज खुलवाने का वादा किया, हम लगातार चुनाव होने के बाद प्रयास कर रहे हैं, कॉलेज की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अभी कॉलेज मूर्त रूप नहीं ले पाए, इसलिए बच्चे परेशान। आज भी कुछ बच्चे आए थे, चले गए, उनको मैं 8-8 बार बोल चुका हूँ लेकिन उनका प्रवेश नहीं है। ये दुख है हमारा, हमको इन बच्चों की मुख्यमंत्री से चर्चा है, किनसे चर्चा है और किन शर्तों पे आप सामने? बिल्कुल क्षेत्र के विकास की बातों पे हमने जो बातें, हमारे जो मुद्दे हैं वो बातें रखी और उन बातों को हल करने का बात करी और सर से उन्होंने इस बात को स्वीकारा और काम करने के लिए कहा, हमारे क्षेत्र के विकास में हर संभव मदद करने के लिए कहा और इसी क्षेत्र विकास के शर्त पे ही हमने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ सरकार से आपकी नाराजगी रही? नहीं, सरकार उन कोई नाराजगी, पूरे समय में हमने काम लिया, हमने हमारे प्रस्ताव रखे, उन्होंने हमारे कामों को तवज्जो दी, किया काम, कुछ हुए कुछ नहीं हो पाए और सरकार बदल गई, इस कारण आगे की सरकार से अब उसका सहयोग लेना। आप सिंधिया जी जब जा रहे थे जी, तब आपने क्यों नहीं निर्णय लिया, अब इतना लेट क्यों लिया? नहीं, वो उनका विषय, हमको हम जहाँ हैं, जिस संस्था में, जिस पारिवारिक रूप से पृष्ठभूमि हमारी है, हम लोग वहाँ हैं, हमारी क्षेत्र विकास की बात है और कहीं हमारा कोई विषय नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, कुछ गलतफहमी तैयार हुई कई समाचार में आया था, वो हम दूर कहोगे, हम जहाँ हैं वही हैं, निर्दलीय हैं और निर्दलीय के
रूप में हमारे क्षेत्र का हम सब साथियों के साथ मिल के विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री बनने का भी आश्वासन मिला आपको? नहीं, हमने कोई ऐसी कोई हमने सिर्फ हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, कॉलेज है, बिस्टान से सिरवेल रोड है, हमारे यहाँ सेगांव भगवानपुरा में कोर्ट नहीं है, SDM कार्यालय नहीं है, SDOP कार्यालय नहीं है, हमारा अपने देवनलिया से 8 नदी होके जो रोड जाता बच्चों को डिलीवरी के लिए लाना मुश्किल पड़ जाता, वो रोड सेंशन हुआ उसको फॉरेस्ट ने रोक दिया, काम नहीं हो पा रहे। काबरी से झामटा रोड जो सीधा लिंक जोड़ता वो नहीं हो पा रहा। सिरवेल से हमारा चिरमलिया होके ने धौली को जोड़ता वो रोड नहीं हो पा रहा। जो विकास के रास्ते हैं जिसको खोलना है उन मुद्दों को लेके हमारी बात हुई और उसी विषय पर हमने सुना। भैया 28 सीटों पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं, क्या अगर सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई या उसको जरूरत पड़ेगी तो क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएं, बिल्कुल।